वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, आप देख रहे हैं सारा न्यूज चैनल सच की आवाज़। खुश आमदीद नाज़रीन, सारा न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक रॉबरी गैंग को पकड़ा गया जो बिहार से आए थे 2 साल पहले। एक आदमी को उपलपल्ली में गन से डराकर 11,000 रुपए की नकदी रकम और एक चेन छीन ली गई। एक और केस में एक आदमी से पैसे छीन लिए गए और इसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया। बिहार से ये लोग हथियार लाकर यहाँ पर ऑफेंस कर रहे थे। शुक्र है कि ये पकड़े गए, वरना और ऑफेंस करते रहते। राजेंद्र नगर DCP CS श्रीनिवास IPS ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी बताई। इस मौके पर इनके हमरा ACP राजेंद्र नगर T श्रीनिवास, राजेंद्र नगर SHO और दीगर पुलिस ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और राजेंद्र नगर जोन में राजेंद्र नगर पुलिस आज एक राबरी गैंग को पकड़े। वो लोग अभी तक 2 केसेस में इन्वॉल्व हुए। वो लोग पूरा बिहार से आए, 2 साल पहले यहाँ आके काटेदान में रह रहे फैमिली के साथ और रिश्तेदारों को बुला लिए थे। यहाँ एक डिलीवरी बॉय जब और एक दूसरा फैक्ट्री में काम करते थे, बिहार जाके 8,000 में एक कंट्री मेड फायर आर्म ला के, उसमें एक टूटा भी है, उसको ला के 2 ऑफेंसेस अभी तक करे। एक ऑफेंस में एक सिंगल आदमी मोटरसाइकिल पे जाने के टाइम पे एक पान शॉप के पास वो लोगों आके खरीदने के टाइम पे जेब से पैसे जब निकाला, जब देखा उनके पास पैसा है बोल के उनको फॉलो अप करके ऊपरपल्ली एरिया में उन जाने के टाइम पे उसको रात में गाड़ी आड़ लगा के उसके पास वो बंदूक से ढरा के वो पैसे ले खींच लिए थे 11,000। एक केस है वो। और दूसरा केस में भी वो सिंगल आदमी जब जा रहा ना उनको ढरा के उसके पास भी पैसे और आपको फोन एक खींच के गए थे। ये लोगों वहां से बिहार से हथियार लाके अभी तक 1 महीना हुआ। 1 महीने से प्लान करके 2 ऑफेंस करने के बाद आज पकड़ा गया। अगर नहीं तो ये एरिया में ये लोगों बहुत और ज्यादा ऑफेंसेस करते थे। अब मैं पब्लिक से ये गुजारिश है कि ये ऐसा वेपन के साथ जो फिरते वो काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा से ज्यादा ये बिहार का नहीं तो दूसरा स्टेट्स के लोगों आके यहाँ रह रहे, नहीं तो हमारा लोकल्स भी कोई भी वेपन का इस्तेमाल कर रहा वो ऐसा शक है तो पुलिस को अगर थोड़ा इतला करे तो पब्लिक को सर्विस करा जैसा होता इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों उनको गुजारिश कर रहे। और एक क्या है, दूसरा स्टेट वालों को घर देने से पहले किराए को उनका कम से कम उनका आधार रख लें। अब ये केस में अब जब घर के पास गया उनका वो उनका घर का मालिक को पूछे तो वो लोगों आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, उनका नाम खाली एक नाम बोलता है। अगर वो नाम भी वो लोगों जो आदमी का नाम अगर अहमद है तो दूसरा नाम पे भी अगर वो लोगों ले सकते, ऐसा नहीं उनका एक आधार तो कम से कम रख लिए तो उनको थोड़ा डर रहा था। अब ये एक गैंग जैसा लोगों आए है तो कुछ रात में बाहर फिर रहा, ऐसा लोगों को किराए को घर देने से पहले ही आपका उनका ID प्रूफ लेना और कुछ शक है तो पड़ोसी वाले नहीं तो